तनिषा बिशरवाल है। तनिका बिशरवाल, तनिषा, तनिषा। तो बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम बाबा साहब को अपना प्रमुख उद्देश्य मानते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सारा संघर्ष किया, अपने चार चार बच्चों की बलिदानी दे दी और हम उनके संविधान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी इतनी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और हम आज कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं और चाहते हैं कि उनका संविधान आगे बढ़े और जिस तरह से वो अपना संघर्ष युवा करना चाहते थे उसी तरह से करें। आपने बोला है कि बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा, बाबा साहब ने इतने अधिकार लिखे। बेटा ये बात कनिष्का जी आपको किसने बताई बातें? ये बातें मैंने खुद पढ़ी भी हैं और मेरे घर में मेरे पापा, मेरे सर हमें सब बताते रहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं। मेरे से लंबी हो रही हो? अच्छा, तो उसमें लिखा किताबों के अंदर कि बाबा साहब ने ये करा हमारे लिए अधिकार? किताबों के अंदर भी लिखा है। मैं और बहुत सारी किताबें बाबा साहब की पढ़ चुकी हूँ अब से पहले और भगवान बुद्ध की भी पढ़ चुकी हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हो, तो आगे तुम्हारा एम क्या है? 10वीं 12वीं करने के बाद क्या करना चाहती हो? मैं जज बनना चाहती हूँ। जज? तो जज बनोगी तो क्या आप सही फैसले दोगी? मैं सही फैसला लूंगी क्योंकि मैं अपना सिद्धांत बाबा साहब को मानती हूँ। बाबा साहब को मानती हैं आप, अच्छे जजमेंट देंगी। तो आप जज ही क्यों बनना चाहती हैं? आप नेता क्यों नहीं बनना चाहती? बहन कुमारी मायावती जी से जब कांशीराम साहब मिले थे तो वही क्वेश्चन था कि मायावती तू क्या बनना चाहती है? मायावती ने कहा मैं IAS IPS बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूँ कि ये IAS IPS आपके पास खड़े रहेंगे। तो आप नेता क्यों नहीं बनना चाहती? नहीं, मैं नेता नहीं बनना चाहती। मेरा एम तो सिर्फ जज बनना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को एक सही कानून बता पाऊँ और सही जज कर सकूँ, अगर किसी न्याय कर सकूँ। क्योंकि आजकल हमारी बहन बेटों के साथ इतना बलात्कार होता है, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। और दूसरी जातियों के लोग संघर्ष करते हैं तो उन्हें न्याय मिल जाता है, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हें, जिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है उन्हें आज तक भी न्याय नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि मैं जज बनकर उन सब का न्याय करूँ। आप अकेली न्याय करेंगी? तो अभी आपने देखा ना पीछे एक गौरी लंकेश, एक पत्रकार थी, मेरी तरह पत्रकार थी, जैसे मैं खुल के बोलता हूँ, गौरी लंकेश, उसका मर्डर कर दिया गया। क्या आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? परिवार के लोगों को जिंदगी प्यारी नहीं है आपको? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा साहब के सिद्धांत पर चलूँ। मुझे अपनी मेरी जान चली जाए, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।